रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिपना एक बहुत ही मनचली और एक अच्छे खानदान की लड़की थी। उसे बीड़ी पीने की बहुत बुरी लत थी। वो अपने घर वालों से छुपकर अक्सर बीड़ी पिया करती थी, कभी छत पर, कभी बाथरूम में, तो कभी अपने कमरे में। पहले तो वो कभी कभी ऐसा किया करती थी, पर धीरे धीरे उसकी ये आदत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ जानकी कपड़े धो रही थी कि तभी रिपना के कपड़ों से बीड़ी का बंडल गिरता है। रिपना, यहाँ आ जरा तू। क्या बात है मम्मी, क्यों चिल्ला रही हो आप सुबह सुबह? तेरे कपड़ों में से बीड़ी निकल रही है, तो बीड़ी पीने लग गई। मुझे क्या पता किसकी है, मेरी थोड़ी ना, पापा की होगी जरूर। सुबह सुबह भांग खा के आई है क्या? तेरे पापा इन सब चीजों से कोसों दूर रहते हैं। माँ, मेरी थोड़ी ना, लगता है कॉलेज में किसी ने ना शरारत कर दी होगी। सच्ची में माँ, मैं बीड़ी नहीं पीती। लाओ मुझे दो, मैं फेंक देती हूँ इसे। रिपना बीड़ी लेकर फटाफट से अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। फिर जल्दी से बीड़ी जलाकर पीने लगती है और धुएं के छल्ले बनाकर हवा में उड़ाने लगती है। हाय, आज तो मैं बच गई, वरना मम्मी तो आज मेरा सच जान जाती। आज के बाद थोड़ी सावधानी और बरतनी पड़ेगी। वक्त बीतता जाता है। एक दिन रिपना के लिए अंशुमन नाम के लड़के का रिश्ता आता है। वो अपनी माँ पद्मा के साथ रिपना के घर आता है। दोनों परिवार वाले बातचीत करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही समय बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। पर रिपना की आदत में कोई सुधार नहीं आता, वो अब भी छुप छुप कर बीड़ी फूंकती ही रहती है। एक दिन वो अपने कमरे में बीड़ी पी ही रही होती है कि तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ है तू? अरे अरे, ये कहाँ से आ गई, जल्दी जल्दी बुझ जा। अरे बहू, बहरी हो गई है क्या, सुनती क्यों नहीं? जी माजी, वो मैं काम कर रही थी तो सुना नहीं मुझे। अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है, एकदम बीड़ी जैसी। नहीं तो सासू माँ, ये क्या कह रही है आप, यहाँ तो कोई महक नहीं आ रही। अरे आ तो रही है, पर समझ नहीं आ रही क्यों आ रही है। चल छोड़, मेरे लिए एक कप चाय बना दे। बस इतनी सी बात माँ जी, अभी बना देती हूँ चाय, दो मिनट रुको आप। रिपना भागती हुई रसोई में जाती है और जल्दी से अपनी मुट्ठी खोलती है। जलती हुई बीड़ी को हाथ में दबोचने की वजह से उसका हाथ जल जाता है। वो मन ही मन सोचती है, आज तो मैं बच गई, पर मेरा हाथ जल गया। आज के बाद बीड़ी तभी पीऊंगी जब घर पर कोई नहीं होगा। अगर पकड़ी गई ना, तो सासू माँ तो मुझे इस घर से ही निकाल देगी और साथ ही सबको मेरे बारे में पता चल जाएगा। मुझे होशियारी से काम लेना होगा। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। रिपना बहुत कोशिश करती है कि वो अपनी इस बुरी लत पर काबू पा ले, पर नहीं हो पाता। उसे जब भी बीड़ी पीने की तलब उठती, वो अपने आप को रोक ही नहीं पाती और जल्दी से जाकर बीड़ी पीना शुरू कर देती है। वक्त बीतता जाता है। अब घर में रोज ही कहीं ना कहीं बीड़ी मिलना शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक दिन पद्मा अपने बेटे अंशुमन से कहती है, अरे अंशुमन बेटा, देखना क्या हो रहा है घर में। क्या हुआ माँ, आप इतने परेशान क्यों हैं? मुझे बताओ। अरे बेटा, आजकल घर में जगह जगह पर बीड़ी मिलती है। देख अंशुमन बेटा, अगर तू पीता है तो बता दे मुझे, मैं कुछ नहीं कहूँगी। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो आप, मैं ये सब नहीं करता, मुझे तो नफरत है इन सुट्टेबाजों से। बेटा तू नहीं पीता, मैं नहीं पीती, बहू नहीं पीती, तो आखिर ये बीड़ियाँ आती कहाँ से हैं? पास ही खड़ी रिपना ये सारी बातें सुन लेती है और उसे अपने पकड़े जाने का डर सताने लगता है।
ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन सुबह अंशुमन ऑफिस चला जाता है और पद्मा अपने एक दोस्त से मिलने उसके घर जाती है और घर में रिपना अकेली होती है। वो आराम से सोफे पे बैठी बीड़ी पी रही होती है और जैसे ही वो बीड़ी बुझाकर खिड़की के बाहर फेंकती है, उसकी सास वहाँ आ जाती है। माजी आप कब आई? आप तो दोपहर तक आने वाली थी। बस बहू, तेरे बिना मन ही नहीं लग रहा था, इसलिए जल्दी आ गई घर में। हाँ अच्छा माजी, आप थक गई होंगी, लाइए मैं आपके पैर दबा देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। हाँ बहू दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। रिपना को अपनी सास की बातें सुनकर बहुत खुशी होती है, साथ ही उसे अपनी बीड़ी पीने और सबको धोखे में रखने की बात सोचकर बहुत दुख होता है। हे भगवान, ये मैं क्या कर रही थी? मेरी सासू माँ और मेरे पति मुझे इतना प्यार करते हैं और मैं उनका यकीन तोड़ रही हूँ। नहीं, मैं अब से बीड़ी पीना छोड़ दूंगी और खुद को कामों में उलझाए रखूंगी। रिपना अपनी बीड़ी पीने की आदत को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। जब उसे बीड़ी पीने की तलब बेचैन करने लगती, उसके हाथ पैर कांपना शुरू कर देते और वो खुद को कमरे में बंद कर लेती। वो अपने मन को बहुत अवॉइड करने की कोशिश करती पर खुद पर काबू नहीं पा पाती और बीड़ी पीना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। एक दिन वो अपनी सास को सब सच बताने के लिए उनके कमरे में जाती है। माँ जी, मुझे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा आज। क्या हुआ बहू? बहू तू ठीक तो है ना? चल डॉक्टर के पास चलते हैं। माँ जी मेरी पूरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पद्मा और अंशुमन जल्दी से रिपना को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और पता चलता है कि जरूरत से ज्यादा धूम्रपान करने की वजह से रिपना को लंग कैंसर हो गया है। ये सुनकर पद्मा और अंशुमन को बहुत धक्का पहुंचता है। वो जल्दी से रिपना से मिलने आईसीयू में जाते हैं। बहू ये क्या हो गया तुझे? हाय रिपना, देखो ना, देखो ये डॉक्टर क्या कह रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि तुम्हें कैंसर है, तुम स्मोकिंग करती हो। नहीं, मैंने तो बोल दिया आप नहीं करती हो, कह दो, तुम भी कह दो ये झूठ है। नहीं अंशुमन, डॉक्टर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे बीड़ी पीने की बुरी लत थी, मैंने इसको सुधारने की बहुत कोशिश करी पर मैं खुद पर काबू नहीं पा पाई और सबकी आंखों में धूल झोंकती रही। मुझे माफ कर दीजिए अंशुमन और सासू माँ, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। रिपना, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही मेरे लिए बहुत है। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ और घर वापस चलो। आप बहुत अच्छे हैं अंशुमन जी, I love you too and get well soon। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता बिल्कुल भी। इस तरह लंबे इलाज के बाद रिपना ठीक होकर वापस से अपने घर परिवार में लौट आती है और अपनी बीड़ी पीने की आदत का त्याग कर देती है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करती है। ये सब देखकर अंशुमन और पद्मा बहुत खुश हो जाते हैं और फिर सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बीड़ी वाली बहू? क्या आपके आसपास भी कोई बहू है जो छुप छुप के बीड़ी पीती है? चुपके से उसका नाम कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।